Hello, I am Dr. PPP. I am the celebrity guru, award-winning author of the book, You Are the Celebrity, How to Become Famous, available on Amazon. I am the marathon man who ran not one, not two, not three, but four marathons in my lifetime by God's grace and your blessings. First marathon in 1 year, last marathon in 2 weeks. Next marathon I'm running in 1 week by December 31st, 2018 by God's grace and your blessings. I'm the Himalaya guru who's climbing the Mount Everest, the Himalaya by December 31st, 2020. If the celebrity guru can write, so can you. If the marathon man can run, so can you. If the Himalaya guru can climb, so can you. Meet the Canadian Indian Dr. PPP. हाँ जी, हम दुनिया के बेहतरीन से कंट्री हिंदुस्तान के बेहतरीन से राज्य गुजरात, जिन्होंने दुनिया को गांधी दिया है, दुनिया को सरदार वल्लभ भाई पटेल और आज के वड़ा प्रधान मिस्टर मोदी दिया है, वो गुजरात के छोटे से गांव जुलासन, जिसने दुनिया को नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स दी है, उस जुलासन में पैदा हुए हैं। जो स्ट्रीट में पैदा हुए है, वो स्ट्रीट का नाम है महादेव वास टेम्पल स्ट्रीट। वहां दो दो टेम्पल थे मेरे स्टेट में, और मेरे गांव में छोटे बड़े अबाउट 100+ टेम्पल्स होंगे। हालांकि गांव का सबसे बड़ा टेम्पल है वो मुस्लिम देवी का टेम्पल है, इवन दो हालांकि मेरे गांव की 100% पॉपुलेशन हिंदू है। सो मैं बचपन से सवाल पूछता था ऊपर वाले को कि ऊपर वाला आप मेरे से क्या करवाना चाहता है, तब मेरे को आंसर मिला कि ऊपर वाला मेरे को दुनिया में जो दूरिया बनी हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्स और जो भी रीजन से जो दूरिया बनी है, वो दूरिया मिटाने के लिए हम पैदा हुए हैं, ऐसा हमें आंसर मिला। हाँ जी, तो आज मैं एक बात करूंगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ जी, आज मेरे को एक मिस कॉल आया, मेरे रिलेटिव का मिस कॉल आया। मैं इन मीटिंग में था, तो मैं ड्यूरिंग मीटिंग अटेंड नहीं कर सका फोन कॉल। इसके बाद मीटिंग के बाद मैंने आंसर किया, कॉल बैक किया, तो मेरे को जानने को मिला कि टोरंटो में, मैं टोरंटो में रहता हूँ आधी जिंदगी से, अबाउट 22 साल से टोरंटो में रहता हूँ कैनेडा में। तो टोरंटो में मेरे ही एक रिलेटिव है, वो 1 महीने तक हॉस्पिटलाइज थे, हार्ट का सिचुएशन था उनको, 1 महीने तक टोरंटो के हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज थे, और 2 दिन पहले वो इस दुनिया से चल बसे, अबाउट 60 के हो गए, राइट? हाँ जी, अब लास्ट टाइम मैं उनसे मिला था, इवन तो मेरे सिटी में रहते हैं, लास्ट टाइम मैं उनको मिला था 1 साल पहले, लास्ट समर में मिला था। मेरे को मालूम ही नहीं लगा कि 1 साल कैसे गुजर गया, और जब मेरे को ये मैसेज मिला तो दुनिया में नहीं है। ऐसा किसी के साथ हो सकता है, आपने भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुई होगी आपके लाइफ में भी, कि यार ये आपका दोस्त होगा और कोई ना कोई रिलेटिव होगा, और इसके बाद आप उसके बारे में सुनते हो कि वो दुनिया में नहीं है, राइट? हाँ, तो अब जो चला गया वो वापस तो नहीं आने वाला है, राइट? मगर एक स्टेप हम कर सकते हैं, क्या? कि हम इंश्योरेंस ले सकते हैं। जैसे हम कनाडा में है तो गाड़ी का इंश्योरेंस कंपलसरी है, आपके पास कार है, आप ड्राइव कर रहे हो, तो आपके पास गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए, वरना आप गाड़ी नहीं चला सकते कनाडा में। मेरे ख्याल से आपके कंट्री में, जो आप डेवलप्ड कंट्री में हो, नॉर्थ अमेरिका में हो और यूरोप में हो, तो सेम रूल है। आई डोंट नो अबाउट डेवलपिंग कंट्री, मगर नॉर्मल है कि भाई आपके पास कार है तो कार इंश्योरेंस होना मांगता है, कंपलसरी है, किया है इसलिए सबके पास होता है।
राइट। मगर लाइफ इंश्योरेंस होता है वो कंपलसरी नहीं है, गवर्नमेंट ने कंपलसरी नहीं किया है, इसीलिए सबके पास ये नहीं होता है। हालांकि डेथ 100% है, आप दो चीजों से कभी भी मुकर नहीं सकते हो, दो चीजें आपके करनी ही पड़ेगी आपको अच्छी लगे या न लगे, एक है डेथ, दूसरे है टैक्सेस, आपको पे करने ही पड़ेंगे टैक्सेस। सेम थिंग डेथ, आप आए हो इस दुनिया में तो आपको जाना ही पड़ेगा, आपको अच्छा लगे न लगे, आपको जाने की इच्छा हो न हो, ये बात है। तो हाउ अबाउट लाइफ इंश्योरेंसेस, आपके पास आपका लाइफ इंश्योरेंस है, आपका फैमिली का लाइफ इंश्योरेंस है? जवाब ना है तो आज ही आपके दोस्त कोई हो, कोई रिलेटिव कोई हो, अब अगर आपके दोस्त और रिलेटिव ना हो जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता हो, तो स्ट्रेंजर को भी बुला के अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाइए आज ही, बिकॉज यू नेवर नो राइट। किसी को मालूम नहीं होता है एग्जिट कब होनी है, किसी को मालूम होता नहीं है। मेरी मदर गुजर गई थी, सोने गई और नेक्स्ट दिन उठी ही नहीं, जगी ही नहीं, सोते सोते ही हार्ट अटैक आ गया राइट। वो मेरे मदर से हो सकता है, कुड बी हैपन टू एनीबॉडी, किसी के साथ हो सकता है। जो आज मेरे रिलेटिव के साथ मैंने मैसेज सुना, दो दिन पहले वो दुनिया से चल बसे, किसी के साथ हो सकता है। वो जाने वाला वापिस नहीं आने वाला है, मगर आपने वो प्रॉपर इंश्योरेंस की होती तो जो बिकॉज ऑफ दैट पर्सन जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो तो एटलीस्ट नहीं हो सकता है। तो जो आपका फैमिली रोड पे आने की वजह वो अपना स्टेटस सेम और बेटर बना सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू टुक वन डिसीजन ऑफ गेटिंग द लाइफ इंश्योरेंस ऑफ योर सेल्फ एज वेल एज योर लव्ड वंस। सो आज मेरे को आप प्रॉमिस करो कि पहले तो आपके पास लाइफ इंश्योरेंस ना हो तो आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाए, नॉट ओनली अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाए, अपने फैमिली मेंबर्स की भी लाइफ इंश्योरेंस करवाए। हाँ जी, आपको डेट करना पड़े तो डेट करो, मगर लाइफ इंश्योरेंस करवाओ। एक दिन खाना कम करो तो कम करो, मगर लाइफ इंश्योरेंस अपनी करवाओ राइट। आप सुबह में लेट से यहाँ पे टोरंटो में और नॉर्थ अमेरिका में लोग लेट से कॉफी के एडिक्टेड है कि भाई लाइक दे गो टू द लाइक रेस्टोरेंट होते हैं फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट जैसे मैकडोनाल्ड टिम हॉर्टन्स और जो भी, वहाँ एवरीडे वो जाते हैं कॉफी लेते हैं, $2-3 ऐसे दे देते हैं जस्ट लाइक दैट। सो महीने के $100 हो गए, $100 में अपना बढ़िया से बढ़िया आपका इंश्योरेंस हो सकता है राइट। तो ये बात है। तो आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो बिफोर एंड ऑफ टूडे गेट योर इंश्योरेंस, अपने इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव को बुलाओ और इंश्योरेंस करवाओ। जो आप नॉर्थ अमेरिका में हो सो देन आई कैन हेल्प यू आउट, इन लेट्स से ऑन्टेरियो में हो देन आई एम लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइजर इन फॉर ऑन्टेरियो। अब ऑन्टेरियो में नहीं हो, कनाडा में हो, फिर भी आई एम एक्सपांडिंग माय फाइनेंशियल बिजनेस इन अदर पार्ट्स ऑफ ऑन्टेरियो। आप कनाडा में नहीं हो, लेट्स से यूएसए में हो, then still I can help you out because I'm expanding my financial business in North America, USA maybe, हाँ जी। So let me know. सही बात है, हाँ जी। जो आप कनाडा में ना हो फिर भी आप अपना इंश्योरेंस करवाए, आपके रिलेटिव कोई इंश्योरेंस बिजनेस में हो तो उनसे करवाए, और कोई ना हो तो स्ट्रेंजर लाइफ इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव को बुलाए, मगर करवाए करवाए करवाए। यू नेवर नो व्हाट हैपेंस इफ यू आर नॉट सिक्योर राइट। सो एटलीस्ट यू हैव पीस ऑफ माइंड। हाँ जी, तो ये बात है। अब आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है तो आपके पास इनफ है, लेट्स से आपने करवाया लाइफ इंश्योरेंस जैसे 15 years अगो, मगर 15 years में आपका वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो गया होगा। सो यू कैन हैव क्या बोलते हैं उसे, यू कैन हैव लेट्स से अपने और लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट को बुलाइए फिर से और रीअसेस करवाए अपना फाइनेंशियल सिचुएशन। यू नेवर नो, यू नीडेड मोर इंश्योरेंस देन द वन यू हैव इट राइट।
सो आपके पास है तो फिर भी वो लाइफ इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव को बुलाए और उनसे एडवाइस ले कि भाई ओके मेरा लाइफ इंश्योरेंस ये है, मेरी लाइफ नीड्स ये है, फाइनेंशियल नीड्स ये है, हेल्प मी आउट। सो अच्छा इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस है तो दो, जैसे आपके पास फुल होल लाइफ इंश्योरेंस है और 10 ईयर्स टर्म का और 20 ईयर्स टर्म का और टर्म इंश्योरेंस है, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई आप टर्म भी हो आपके पास, सो यू कैन हैव लाइक यू नो लेट्स से नेक्स्ट 10 और 20 ईयर्स में उसका नीड भी यू नो टेक केयर ऑफ हो जाए, और होल लाइफ हो तो वो भी नेसेसरी है। इसके बाद क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस होता है कि आपको खुदा न खास्ता अबाउट डिफरेंट टाइप की अबाउट 20 अबाउट अराउंड 20 क्रिटिकल इलनेस होती है, तो इसके बाद क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस के बाद आप एक मंथ तक सर्वाइव होते हैं, सो देन दे कैन प्रोवाइड यू द वट एवर द इंश्योरेंस पॉलिसी यू टुक इट। दैट्स द रूल इन ऑन्टेरियो कैनेडा, आई डोंट नो अबाउट अदर प्रोविंस और अदर कंट्रीज रूल राइट, मगर क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट, बिकॉज अगेन ये शरीर जैसे कार में वो सिचुएशन आता है, कार में लेट्स से यू नो लाइक कार को ऑयल चेंज ये सब करवाना पड़ता है, कभी वंस इन अ व्हाइल वो सिचुएशन आता है कुछ ना कुछ जैसे ट्रांसमिशन और ए और वो और टायर चेंज और व्हाटएवर राइट। सो सेम थिंग हमारा बॉडी है तो उसका भी हेल्थ अप एंड डाउन होता रहता है, सो इट्स ऑल्सो रिकमेंडेड टू हैव योर क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। एक अनदर इंश्योरेंस है एक और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, आप वर्किंग पेरेंट्स है, आप वर्क करते हैं, वर्क करते हो तो यू नेवर नो डिसेबिलिटी हो जाए तो आपकी वर्किंग इनकम जीरो हो गई, वर्किंग इनकम जीरो हो गई तो आपकी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करोगे, आप जॉब पर बिना आज नहीं जा सकते हैं कैसे मेंटेन करोगे, सो उस वक्त आपके पास जो डिसेबिलिटी इंश्योरेंस होता है दैट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस विल हेल्प यू आउट टू हैव योर कंटिन्यूस इनकम इवन दो यू आर ऑन डिसेबिलिटी। सो देर आर लॉट्स ऑफ इंश्योरेंस, लॉट्स ऑफ यू नो, सो बट सम ऑफ द इंश्योरेंस इज आई एम शेयरिंग विथ यू। आपने मकान लिया है, आपके मकान मॉर्गेज थ्रू लिया है, सो देन यू बेटर हैव टू हैव मॉर्गेज इंश्योरेंस। सो अगेन खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो आपका मॉर्गेज मकान है वो यू नो बैंक वापिस ना ले ले, लाइक द मॉर्गेज कंपनी आपका मकान वापस ना ले ले राइट, और फोरक्लोजर आपका मकान न हो जाए, मकान का फोरक्लोजर ना हो जाए, इसलिए मॉर्गेज इंश्योरेंस इज नेसेसरी। देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स राइट, बट अगेन गेट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, एंड इफ यू आर इन नॉर्थ अमेरिका आई एम हियर टू हेल्प यू आउट टू हैव योर फाइनेंशियल यू नो टेकन केयर राइट। सो आई एम द सेलिब्रिटी फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर यू इफ यू आर इन नॉर्थ अमेरिका। सो अगेन yes, I joined this opportunity about over a month. I used to be in the Royal Bank of Canada RBC in 2002 to 2004, and then I stopped from financial sector, and again I came back in the financial sector because finance is also very 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 important too. Log kehte hain ki bhai money is nothing, no. The broke people who say money is nothing. I never heard from a rich people that you know money is nothing. Never, never, never. If somebody is millionaire, he wants to take more money. He wants to make more money than millions. Somebody is billionaire, he wants to take multi-billion. He wants to be multi-billionaire. If somebody is millionaire, he wants to be multi-millionaire. If somebody is multi-millionaire, he wants to be the billionaire. Right? It's not greediness because when you are blessed with more money and you have a bigger heart, you can give big charities, like Bill Gates, right? Bill Gates is, thank goodness, is one of the richest person in the world. That's why he is helping, like you know, giving billions of dollars in charities, right? Why? Because he has billions of dollars. He's multi-millionaire. He's one of the richest person, right? So whatever is your why, you know, right? But yes, money is necessary. Money is needed. Yes. I know people generally you don't talk about money from your family because you know you rarely hear money talk from family, and that's why there are a lot more broke people or financially challenged people, because they go to school, you know, school never talk about money,
you know, and then they come to the after school or to university or college. They have, like, let's say, education debt or whatever, and then they are on debt before even they get their first job or as soon as they comes out from university, because university, right? So, and that's why people are more financially challenged, because people don't talk about money so frequently, you know. That's the taboo. Money is the taboo, you know. So anyhow, so that was about that. Also RASP, also I, you know, registered education savings plan for your kids for the study. Like, you know, study is very expensive, like especially universities, right? And if you want to go to the reputable university, it's very, very, very expensive. Like in Canada, foreign students comes, right? You know, and they pay about 3 times to 4 times than the Canadian student, right? So it's very expensive. So again, you have to take care of RESP. If you are in Canada area, I'll take care of your kids' financial needs, RESP. Then RRSP, Registered Retirement Savings Plan, right? You know, I can help you out in having your retirement better, your savings, your investment better. I can help you out. So that was about importance of having life insurances, you know, and other insurances, you know, and having investment. So you are financially, you become financially free, or you start your way to become financially free, because Statistics Canada says 91% people are financially challenged. In short, they are broke, 91% in Canada, you know. And this Canada is a developed country, you know. Same thing almost in US also, numbers are approximately same. And only 9% people, 9% people are well off or okay financially or financially free. 9%, right? 9%. So I'm here to help you out to sail from financial challenge to financial freedom. I cannot guarantee you, but I can help you out, because I have the tool. If you wanna save money, help me, you know, let me know. If you wanna make money through the vehicle, the one I am having, the financial planner vehicle, I can help you out too. But I have to qualify you for that. Right? Sahi baat hai. So ये बात मैंने थोड़ी सी की अबाउट रिगार्डिंग मनी रिगार्डिंग हैविंग इंश्योरेंसेस. सो यू हैव पीस ऑफ माइंड. आपको आप रात को सोने जाए तो आपको पीस ऑफ माइंड रहे कि यू हैव टेकन केयर ऑफ योरसेल्फ, यू हैव टेकन केयर ऑफ योर फैमिली. सही बात है. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, राइट इट डाउन, राइट इन टू द कॉमेंट. यस, generally I charge about $5,000 for 1 hour personal coaching. So my time is valuable. I respect your time too. So, and if you are really serious to take my advice, write your question. If you write it in the comment, I'm going to do my best to answer your question. If I don't know the answer, I will simply say I don't know the answer, but I won't misguide you. I will not misguide you for sure. And again, Rehan Lawala bhai, आपका बहुत 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 शुक्रिया जो आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया कि हम आपके फेसबुक पे आए और आपके ओवर अबाउट 600,000 इस पेज पे आपके सेलिब्रिटी फैन है, उनसे हम गुफ्तगू करें, उनसे हम राबता करें, उनसे हम बातचीत करें, उनको हम एजुकेट करें. So Rehan Lawala bhai, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. And Rehan bhai, I know आप North में, आप US में हो, जो आप Niagara Falls आने वाले हो, so definitely then let me know and we'll have you know, I would love to meet you in person, you know, and to have get together. If you would love to come Canada, आपके पास Canada के visa हो, you are most welcome to my city Toronto, Canada. Most welcome. हाँ जी, आपको आज का ये मेरा फेसबुक लाइव कैसा लगा, मेरी इंफॉर्मेशन कैसी लगी?
आप दिल से कमेंट में लिखोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा. हाउ कैन आई इम्प्रूव आप कमेंट में तो मेरे को बहुत अच्छा लिखेगा, बहुत अच्छा महसूस होगा. बिकॉज आई एम द स्टूडेंट टिल माई लास्ट ब्रेथ, राइट? यस, मैं सेलिब्रिटी गुरु हूँ, यस. मैं मैराथन मैन हूँ, यस. मैं हिमालय गुरु हूँ, यस. बट स्टिल आई एम लर्निंग एवरी डे, आई एम लर्निंग एवरी डे. द डे आप बोल आप मानते हो कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ, सब कुछ जानता हूँ, उस दिन अल्लाह ताला भगवान बोलेगा आ जा मेरे पास यार, नो तेरे को यहाँ सीखने को भेजा, अब तू बोलता है सीखने को बाकी नहीं है, आ जा मेरे पास. सो दैट्स व्हाई आई नेवर से लाइक आई नो एवरीथिंग. नो मैन, व्हेन आई से आई एम डॉक्टर दैट मीन्स आई एम नॉट द इंजीनियर, आई एम नॉट द पायलट, आई एम नॉट द you know, not the teacher, I'm not the, you know, lots of lives, a banker and lots of other things, right? So I want to learn from you. That's why I'm in front of you. That's why I'm telling you, you know, write the comment, you know, and let me know how can I improve myself, you know. Sahi baat hai na? Ah, because I'm learning every day. इसलिए तुम्हें कहता हूँ यू आर द गुरु, यू आर द गुरु. हाँ जी, सो आप अपने आप को पहचानिए. आपको मालूम है कितनी सारी कैपेबिलिटीज अल्लाह ताला ने, भगवान ने, जीसस ने, जिसको भी मानते हो, वो सुपर स्ट्रेंथ है उसको, सुप्रीम सोल जो भी मानते हो, उसने आपको कितनी सारी स्ट्रेंथ दी है आपको मालूम है? आपको मालूम है तो आप Are you playing to the fullest, right? और आपको मालूम है फिर भी आप अपना 100% नहीं देते हो, क्यों यार, क्यों? Either you do with heart, body, mind and soul, or you don't do it. Like either you are pregnant or you are not pregnant, but it's not in between. Like मैं किसी को बोलूँ कि भाई आप pregnant हो, तो person बोलेगा कि yes or no, but ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई मेरे को मालूम नहीं है, right? So same thing, you put your 100%, right? तो आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आपको कहता हूँ. You do sowing, then he'll do growing, and you'll do reaping, right? मगर आपको seeds तो रखने पड़ेंगे ना, आपको mango खाना है. So which is the best time to eat mango, right? Which is the best time? Okay, let me ask you this way. Okay, mango tree plant करने का बढ़िया time कैसा, कौन सा है? 20 साल पहले. So 20 साल में आपके पास mango ready होगा और वो mango tree का आप mango खाते होंगे. मगर चलो 20 साल के पहले आपने नई प्लांट किया है, सो विच इज द सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ. आज आप मैंगो ट्री प्लांट करें तो 20 साल के बाद आप रहेंगे तो आप खाएंगे, आप नहीं रहेंगे तो आपकी फ्यूचर जनरेशन खाएगी. सो बेस्ट टाइम टू प्लांट मैंगो ट्री इज 20 इयर्स अगो, एंड सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ. So 20 साल पहले का आप मिस कर गए, that's okay, what is gone, you cannot bring it back, but then use now, right? Now is the time, now. That's why हम कहते हैं ना, you just do it now. So ये उसका मतलब है, just do it now. Same thing, get your insurance now. आपके पास insurance नहीं है, life insurance और जो भी मैंने information किए, just do it now. सही बात है. तो हमारे पास अभी 6-7 मिनट्स है. सो अल्लाह तो आपके बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी हमारे भाई बहन हमसे जुड़े हैं, उसमें से कार्ला जुड़ी है, कामरान है, हाय कामरान, ओके, मुतैब खान जो जुड़े हैं हमसे, हेलो ब्रेट, हाउ आर यू, और है खुर्शीद हमारे साथ जुड़े हैं, कैसे हो खुर्शीद ने हेलो लिखा,
मुत्तैब खान ने हाय लिखा, हाय मुत्तैब खान। मिस्टर ब्राट ने लिखा, हेलो हेलो टू यू मिस्टर ब्राट। सो आपको आज का एपिसोड हमारा कैसा रहा, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट्स। सो हमें यू नो हमारा कॉन्वर्सेशन हो, आप हमको कुछ इम्प्रूव करना चाहते हो, एडवाइस देना चाहते हो, प्लीज डू राइट इट सो आई कैन लर्न। जो एडवाइस देने जैसी होगी तो मैं डेफिनेटली इम्प्लांट यू नो लूंगा अगेन। सो मोस्ट जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। सही बात है, मगर बी एक्टिव, बी एक्टिव। आप हमें देख रहे हो, कमेंट लिखो यार, हेलो हाय डॉक्टर पी पी पी, हेलो हाउ आर यू, नाइस टू सी यू, और कुछ भी माना जो आपका दिल से हो लिखो यार। मगर डोंट जस्ट वॉच पैसिवली, बी एक्टिव, बी एक्टिव। आप जिंदा हो तो महसूस करना जरूरी है कि आप जिंदा हो, राइट? और कैसे महसूस कराएंगे? Just becoming more active, more interacting, you know, comment लिखो, ये करो वो करो, heart भेजो, likes भेजो, wow भेजो। सही बात है, आपको मालूम है आपको अच्छा लगेगा जब वो प्रेस करेंगे, बिकॉज यू आर प्रेसिंग इट्स ए हार्ट, सो लाइक यू नो इट्स अ नाइस फीलिंग। हम देखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, जो दूसरे और देखने वाले हैं वो भी, उनको भी अच्छा लगेगा। यू नो व्हेन दोज हार्ट्स फ्लोट अराउंड द स्क्रीन, और व्हेन दोज लाइक्स फ्लोट अराउंड द स्क्रीन, और दोज वाओ फ्लोट अराउंड द स्क्रीन। सही बात है ना, छोटी छोटी बातें हैं मगर इम्पोर्टेंट बातें हैं, इम्पोर्टेंट बातें हैं, बिकॉज इट्स अ टू वे स्ट्रीट। यू नो लाइक वन वे नहीं है कि बस मैं बोलता ही जाऊँ, बोलता ही जाऊँ, बोलता ही जाऊँ, बोलता ही जाऊँ, नहीं, इट्स अ टू वे स्ट्रीट। तो टू वे स्ट्रीट कैसे बनेगी? आप अपनी ओर से कमेंट लिखोगे, अपनी ओर से लाइक भेजोगे, हार्ट भेजोगे, वाव भेजोगे, क्वेश्चन पूछोगे थ्रू द कमेंट, इसके बाद आप शेयर करो, शेयर करते हैं तो आप शेयर लिखिए, बिकॉज टू रियलाइज 1 billion प्लस पीपल दैट यू आर द सेलिब्रिटी, दैट्स माय विजन, पैशन, पर्पज एंड मिशन, एंड आई नीड योर हेल्प टू रीच 1 billion प्लस पीपल। सही बात है ना, एंड हाउ कैन यू हेल्प मी आउट? जस्ट बाय डूइंग शेयर बटन, लाइक जस्ट देर इज अ शेयर बटन, जस्ट प्रेस इट, दैट्स इट, यू नो। एंड इफ यू लव इट देन ऑफ कोर्स योर फ्रेंड्स आर गोइंग टू लव इट टू, राइट? सो यू नेवर नो, जस्ट बाय डूइंग दैट शेयर, राइट, आई हैव मोर अपॉर्चुनिटी टू स्प्रेड दिस मैसेज दैट यू आर द सेलिब्रिटी टू 1 billion प्लस पीपल इंक्लूडिंग योर फ्रेंड्स। बट हाउ कैन आई टच योर फ्रेंड? When you share it, and sharing is caring, right? Sharing is caring, because मैं मेरा heart, body, mind and soul share करता हूँ आपसे, जब वो half an hour का ये you know time लेता हूँ, देता हूँ तो, right? So then you have to value my time too, right? I value your time, I cherish you, but then be more active, right? And help by sharing help. To change somebody's life too, because you never know what one word is going to change your friend's life when he or she hear this Facebook live. You never know, but why to judge, right? तो ये बात है। Again, पाकिस्तान की आवाम को congratulation, Mr. Imran Khan नए वजीर-ए-आज़म बने हैं, and let's hope for the best that he will deliver. The wishes of millions of Pakistanis as well as people from Pakistan living other parts of the world, as well as non-Pakistani people too. Like, you know, I'm not from Pakistan, but still I have lots of hopes for Imran Khan as well as for Pakistan, that Pakistan is going to do better in the in the leadership of Imran Khan. Okay, so believe in your wildest dreams. Don't let anybody steal your dreams. Just do it now. If Trump can win, so can you. You are the celebrity day. You are the celebrity life. You are the celebrity.